मेरी जिम्मेदारी सरदना की थी। सरदना पे भारतीय जनता पार्टी हार कर नहीं गई है। पार्टी हमारा परिवार है और परिवार की बात परिवार में कही जाए तो ज्यादा अच्छी है। किसी पे कोई आरोप नहीं लगाता, ना मैं आरोप लगाने का कोई अधिकारी हूँ। मेरे पे तो सरकारी सुविधा एक भी नहीं है। मैं अपने घर में रहता हूँ, अपनी गाड़ी में चलता हूँ। राजपूतों का क्या विरोध था, आज मैंने मीटिंग बुलाई है, उस पर भी पूछेंगे। मुझे तो नहीं लगता कोई विरोध है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता और मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान का अब जो है संगीत सोम के साथ में थोड़ा सा विवाद छिड़ गया है। संगीत सोम के ऊपर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। संगीत सोम वही हैं जो सरदना के पूर्व विधायक रहे हैं और फायर ब्रांड नेता भी कहे जाते हैं। वो हमारे साथ में है संगीत सोम। आज उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें उन्होंने संजीव बालियान की जो बातें हैं वो कही हैं। संगीत जी ये बताइए, जो संजीव बालियान जो आरोप लगा रहे हैं, कल उन्होंने इतने बड़े आरोप लगा दिए कि आपने सपा का साथ दिया मुजफ्फरनगर में और उनका साथ नहीं दिया, तो किस हद तक ये जो बयान है उनके सच हैं? अब ये तो उन्हीं से आपको पूछना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित और समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरी जिम्मेदारी सरदना की थी। सरदना पे भारतीय जनता पार्टी हार कर नहीं गई है, लेकिन बुढ़ाना और चरथावल पे हारी है, वो जांच का विषय है। कि और वो तो बाई दी हमारे माने बालियान जी के घर की सीट है, वो हम हारे हैं तो वो जांच का विषय है। अच्छा, लेकिन चुनाव से पहले जो है ठाकुरों का जो विरोध था वो यहाँ की चौबीसी से शुरू हुआ था, सरदना की चौबीसी से। मुख्यमंत्री सीएम खुद यहाँ पे पहुँचे थे मनाने के लिए, तो क्या वो लड़ाई है, वो लड़ाई जो है अब जो चुनाव हुए हैं उस तक आके पहुँची है तभी वो ऐसा आरोप लगा रहे? देखिए, वो क्यों आरोप लगा रहे मेरी समझ में नहीं आता। और उन्हें मीडिया के सामने कोई बात नहीं कहनी चाहिए, उन्हें कोई बात भी है अपनी पार्टी फोरम पे कहना चाहिए। पार्टी हमारा परिवार है और परिवार की बात परिवार में कही जाए तो ज़्यादा अच्छी रहती है। अच्छा, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, एक आपने प्रेस नोट भी जारी किया है, इसमें आपने तमाम संजीव बालियान के ऊपर आरोप लगाए हैं। ये आपके आपके नाम का है संगीत सोम, और इसमें जो है कई ऐसे आरोप हैं। हाँ जी, यहीं से मिला है हमें। ये देखिए, आपका नाम भी ऊपर है, संगीत सोम, पूर्व विधायक सरदना, और इसके ऊपर कई ऐसे आरोप भी हैं कि उन्होंने कई जो है गलत, ये किसी ने गलत छापा है। और मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगाता, ना मैं आरोप लगाने का कोई अधिकारी हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि पार्टी हारी है तो हमें इसका इस विषय को अपनी पार्टी में चिंतन मनन करना चाहिए। हम क्यों हारे, हमें मेहनत करनी चाहिए कि आगे हम ना हारें। ये तो वजह क्या है, संजीव बालियान वर्सेस संगीत सोम क्यों हुआ हुआ है? अब मुझे तो नहीं पता, मेरी और संजीव बालियान जी की ना कोई भैंस बट रही है ना कोई खेत बट रहा है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संजीव बालियान जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उनकी अगर कोई बात है तो वो उनसे पूछिए, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। कल उन्होंने जो है एक शेर भी कहा आपके ऊपर, और शेर कहते हुए ये कहा कि जो है आप सरकारी सुविधाओं का गलत फायदा उठा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने बात कही है। मेरे पे तो सरकारी सुविधा एक भी नहीं है। मैं अपने घर में रहता हूँ, अपनी गाड़ी में चलता हूँ, तो मेरे पे सरकारी सुविधा कुछ नहीं है। अच्छा, इससे पहले जब 2022 का चुनाव हुआ था तब ये बात उठ रही थी कि संजीव बालियान ने अंदर खाने अतुल प्रधान का सपोर्ट किया, तब कहीं जाकर जो है सरदना की सीट आपके हाथ से निकल गई, उस बात से आप कितना सहमत? देखिए, मैं कोई जो बात कहनी है वो मैं आपसे थोड़ी कहूँगा, वो मैं अपनी पार्टी में कह चुका हूँ। जो मुझे बात कहनी थी वो मैं आपसे नहीं कहूँगा। अच्छा, ये संजीव बालियान ने जो है कल जैसे ये बयान दिया है, उसके बाद से क्या आलाकमान से कोई फ़ोन या किसी तरीके का कुछ ऐसा अभी बातचीत के लिए कुछ आपके पास में आया मैसेज? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं है, और जब मैसेज आएगा तो मैं अपनी पार्टी में अपनी बात रखूंगा। आप क्या बात रखेंगे वहाँ पे, क्या कहेंगे संजीव बालियान के लिए? मैं यही कहूँगा उन्हें मेहनत करनी चाहिए, और जो बात हो वो घर की बात घर में कहनी चाहिए, ना कि कहीं बाहर कहनी चाहिए। मतलब घर की बात है, यानी कि विरोध ज़रूर है एक दूसरे का? नहीं, कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल विरोध नहीं है, कोई एक रत्ती विरोध नहीं है। अच्छा, अब जो है आने वाला चुनाव है विधायकी का, उसमें किस तरीके से मजबूती के साथ आप समझते हैं कि संजीव बालियान को आपके साथ खड़ा होना चाहिए? अब मुझे तो नहीं पता पार्टी क्या, वो तो उनसे पूछना चाहिए ना आपको। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैंने बताया ना, मेरी जिम्मेदारी सरदना विधानसभा की थी। सरदना विधानसभा नहीं आ रहे। अब जो राजपूतों का जो विरोध था, क्या वो खत्म हुआ है? राजपूतों का क्या विरोध था, आज मैंने मीटिंग बुलाई है, उस पर भी पूछेंगे। मुझे तो नहीं लगता कोई विरोध है। तो हमारे साथ में जो है सरदना के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम थे। संजीव बालियान ने जो है कई आरोप लगाए और उन आरोपों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आलाकमान से बात की जाएगी, और जो आपस में मतभेद हैं वो भाजपा से ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं उनसे ही बात करके ये मतभेद सुलझाए जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। अपने सहयोगी राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।